हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो कैड वर्कशॉप चैनल। इस रेबिट के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉल प्रोफाइल एडिट के बारे में, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करनी है, जैसे कि आपको बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी है या कोई भी आप वॉल पे कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह से क्रिएट करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें कैड वर्कशॉप चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो वॉल प्रोफाइल एडिट के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक वॉल होनी बहुत जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने यहाँ पे वॉल लिया और एक यहाँ पे हम सिंपली वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो आपके पास जो वॉल का साइज होना चाहिए, यानी कि 4.5 इंच या 9 इंच, जो भी आपको यहाँ पे वॉल का साइज चाहिए, वो यहाँ पे आप लेके चल सकते हो। अब सपोज मुझे यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी है, तो बाउंड्री वॉल की यहाँ पे अनकनेक्टेड हाइट में यहाँ पे लेके चलता हूँ, मान लीजिए 7 फिट। ओके, यहाँ पे मैंने लीनियर सिलेक्शन लिया, यानी कि लाइन, और यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन से मैंने इस तरह से एक यहाँ पे 15 फिट की एक इस तरह से वॉल क्रिएट कर दी। ठीक है, 3D लगाया मैंने, और ये आपका यहाँ पे देखो विजुअल स्टाइल चेंज करके मैंने कर दिया इसको रियलिस्टिक। रियलिस्टिक करने के बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू लगाया, 3D में हूँ, फ्रंट व्यू लगाया। अब मुझे क्या करना है, इस वॉल में यहाँ पे छोटे छोटे से ब्लॉक, यानी कि आर पार यहाँ पे कट क्रिएट करना है। तो किस तरह करोगे, चलिए देखते हैं। अब देखो वॉल को हम सेलेक्ट करेंगे, एक क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो एक मजेंटा कलर से आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ये क्या होती है, आपकी वॉल प्रोफाइल, यानी कि जो भी आपकी वॉल थी उसकी एक आउटर बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है। अब वही पुराना कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है, कोई भी क्लोज बाउंड्री के अंदर अगर आप एक और यहाँ पे क्लोज बाउंड्री क्रिएट कर दोगे, तो क्या होगा, वो पार्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो क्लोज बाउंड्री क्रिएट की और मैंने कर दिया यहाँ पे फिनिश। तो जैसे फिनिश करोगे और यहाँ पे देखो शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से इसको रोटेट करोगे, तो देखोगे यहाँ पे देखो आपका एक कट इस तरह से क्रिएट हो गया है। फिर सेम इसी तरह फ्रंट व्यू मैंने लगाया, और एक दूसरा तरीका देखो, इस वॉल पे डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, वॉल प्रोफाइल पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आपको बार बार वहां पे एडिट प्रोफाइल पे जाके क्लिक नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब इसके जो आउटर लाइन है इसको मैंने इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। अब मैं अगर फिनिश करता हूं, तो एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे एक एरर शो कर देगा, दैट इज लाइन मस्ट बी इन अ क्लोज लूप, यानी कि जो भी आप यहाँ पे लाइन क्रिएट करोगे वो हमेशा आपकी क्लोज लूप में होना बहुत जरूरी है। तो हम कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से डिजाइन क्रिएट करता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं मान लीजिए 2 फिट ऊपर जाता हूँ और 1 फिट कुछ इस तरह, और यहाँ पे इस तरह से मैंने एक डिजाइन सिंपल सी क्रिएट कर ली। ठीक, और इसको मैं कर दूंगा फिनिश। तो देखो इस तरह से यहाँ पे आपकी एक वॉल प्रोफाइल क्रिएट होके आ गई। अब यहाँ पे एक चीज हम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लेवल 1 पे गए अगेन। लेवल 1 पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे वॉल लिया, वॉल आर्किटेक्चरल, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया फिनिश फेस एक्सटीरियर। तो देखो इसके वॉल के जस्ट बगल से एक यहाँ पे वॉल एक और क्रिएट हो जा रही है, और मैंने इसको कर दिया फिनिश और 3D पे लगाया। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है। अब मैं इस वाली वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ, फ्रंट व्यू लगाया मैंने, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आपका शेडेड, जिससे कि आपको मजेंटा कलर की लाइन अच्छे से दिखे। तो इस लाइन को मैं डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने लाइन लिया और यहाँ पे 1 फिट का मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक, और फिनिश। तो देखो यहाँ पे आपकी कुछ इस तरह से यहाँ पे एक सिंपल सी डिजाइन क्रिएट होके तैयार है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास कोई भी आपके मन में बाउंड्री की कंडीशन है, यानी कि कोई भी आपको डिजाइन बनाना चाह रहे हो, तो वॉल प्रोफाइल एडिट करके आप बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक रियल वॉल क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस वॉल को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर रखी है बाउंड्री वॉल की, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे हम इसको किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास देख रहे हो कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, उसके सामने यहाँ पे एक रेड कलर, व्हाइट कलर का, सॉरी, इस तरह से यहाँ पे एक डिजाइन क्रिएटेड है। तो इसको हम यहाँ पे सिंपली रेबिट में किस तरह से बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो रेबिट हमने यहाँ पे ओपन किया, वॉल लिया, वॉल आर्किटेक्चरल पे गए और कनेक्टेड हैंड यहाँ पे मैंने दी 6 फिट। ठीक, लीनियर लिया और मैंने यहाँ पे, सॉरी,
सबसे पहले लेवल वन पे चले जाते हैं, फिर वॉल लेके हम इस तरह से एक वॉल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फाइन, अब अगर मैं यहाँ पे 3D देखता हूँ और यहाँ पे इमेज को देखता हूँ, तो ध्यान से देख सकते हो कि एक वॉल तो आपके पास बैकग्राउंड में है ही, प्लस सामने उसके यहाँ पे एक इस तरह से डिजाइन क्रिएटेड है, सेम इसी तरह ये भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेविट में कि एक वॉल इसके आगे एक और क्रिएट कर लेंगे। बाकी और भी तरीके हैं आपके, जैसे कि आपका मॉडल इन प्लेस से आप एक्सट्रूजन से भी बना सकते हो उसको, तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा, जिससे कि आप और अच्छी डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे बेसिक देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वॉल देखो इस तरह से क्रिएट कर लिया। फ्रंट व्यू पे जाते हैं, सामने वाली वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं, नीचे वाली वॉल को मैंने डिलीट किया लाइन को, और यहाँ पे मैंने लाइन लिया और 1 फिट का यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन दे दिया, चेक। फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, सेम इसी तरह मैं यहाँ भी 1 फिट कुछ इस तरह से और यहाँ जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे 1 फिट लाइन कितनी आएगी, तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया, ऑफसेट 1 फिट इस लाइन पे आके सिंपली मैंने क्लिक कर दिया। ट्रिम इस पार्ट को सेलेक्ट किया, इस पार्ट को और इस पार्ट को सेलेक्ट किया, फाइन। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लाइन लिया। अब देख रहे हो यहाँ पे इमेज में, ये तो अब मैंने बना दिया, अब ये भी आपको बनाना है, यानी कि ये मैंने एक क्लोज सर्फेस बना दी, तो यानी कि ये सॉलिड हो गया, फाइन। लेकिन ये पार्ट पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमें यहाँ भी एक सॉलिड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह की सेम एक प्रोफाइल यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करूंगा। तो चलिए देखते हैं, मैंने अगेन लाइन लिया, अब बिल्कुल मिड पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मिड लाइन से मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया, और ऑफसेट यहाँ पे मैंने दे दीजिए मान लीजिए 4 फिट का, और इस तरह से 4 फिट इधर, 4 फिट इधर। फिर अगेन ऑफसेट मैंने यहाँ पे 1 फिट का लिया, और 1 फिट इधर, सॉरी ये आपका 1 फिट, 1 फिट इधर और 1 फिट इस तरफ, सेम इस तरह 1 फिट मैंने नीचे किया, और एक और यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्केचेस आ गए हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान देखिए, क्लोज लूप होना चाहिए। तो इस लाइन को मैं यहाँ तक लाता हूँ, ट्रिम लिया मैंने, इसको इसको सेलेक्ट किया, फिर ये वाली जो लाइन है ये मेरी बैक पीछे तक यहाँ तक रहेगी, और ये जो लाइन है मेरी यहाँ तक रहेगी, तो इसको आप इस तरह से सेलेक्ट करोगे। ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाई थी, इसको मैं डिलीट करूंगा, सेम अगेन ट्रिम गया, इसको इसको सेलेक्ट किया, इसको और नहीं इसको नहीं करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ। तो देखो आपको समझ में आ गया, नीचे भी लाइन बनानी पड़ेगी नहीं तो एरर दिखा देगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन बना ली, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, यहाँ से यहाँ बना ली इस तरह से, और यहाँ से यहाँ बना लिया, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे फिनिश। तो जैसे ही फिनिश करोगे तो देखो यहाँ पे आपके इस तरह से एक सिंपल सी इस तरह की कुछ डिजाइन यहाँ पे आपके पास तैयार होके आ गई है। बाकी यहाँ पे और भी डिजाइन हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी नेट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने ऐसे डाउनलोड कर रखा था आपका दिखाने समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजाइन हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन, तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारी डिजाइन बना के दिखाऊं, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि किस तरह से यहाँ पे डिजाइन क्रिएट होती है। उसके लिए मुझे यहाँ पे और भी कमांड्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मॉडल इन प्लेस में आप यहाँ पे ये सारे कमांड्स हैं, एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वीप ब्लेंड। तो इसके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली बात करूंगा कि कमांड कैसे कैसे यूज करते हैं, और इसको हम अपने ड्राइंग में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस अगर आपको और भी सॉफ्टवेयर से या कोई भी आपको कैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को पूरा पूरा सॉल्व कर दूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आगे और ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।